ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम नाइन्थ क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसी में हमने फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जो भी जरूरी कंसेप्ट यूज होते हैं उनको हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में आज हम सीखेंगे संख्या रेखा, नंबर लाइन, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज करें। चलिए तो आ जाते हैं बेटा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो कैमरा और माइक आपका, ये दोनों बंद होने चाहिए, है ना। माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। जब आपको बोला जाता है ओपन करने के लिए तब आपको ओपन करना है, ठीक है। अगर आपके कोई भी सवाल है, डाउट है, या फिर आप आंसर कर रहे हैं, सवाल डाउट या कोई भी आंसर आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो आप कहाँ पर लिखना है, इन कॉल मैसेज में लिखना है। कैसे जाएंगे बेटा, तीन बिंदु पर यहाँ पर क्लिक करना है, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, इन कॉल मैसेज को क्लिक करना है, जहाँ पर अपने सवाल डाउट और आंसर आप टाइप कर सकते। उसके बाद आपसे बोला जाता है कि पोल में आपको आंसर करना है, तो उसके लिए आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसी एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है और उसके ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और फिर वोट कर देना, ठीक है। इस तरीके से आपके जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए तो अभी हम आ जाते हैं आगे, हम कर लेते हैं रिवाइज की जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पूर्णांकों का भाग, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पूर्णांक की बात कर लेते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। अगर पूर्णांक की बात करेंगे तो पूर्णांक हमारे पास क्या होते हैं, कोई बच्चा बताएगा अनम्यूट करके बेटा, पूर्णांक क्या होते हैं? सर जी, जो प्लस और माइनस में आते हैं। वेरी गुड, जो प्लस और माइनस दोनों में तरीके के नंबर होते हैं इसके अंदर, जैसे माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक, दो, तीन और एनसोन, ठीक है। इन एनसोन का मतलब होता है कि ये आगे तक चल रहा है, ऐसे यहाँ पर इसका मतलब होगा ये यहाँ आगे तक चल रहा है, ठीक है। तो पूर्णांकों को हमने सीखा है गुणा करना, प्लस करना हमने सीख लिया है, जोड़ना, घटाना हमने सीख लिया है, और भाग करना भी हमने सीख लिया। तो भाग करने हम क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे जो हमने भाग करना सीखा। तो वहां पर हमने सीखा था भाग करने के नियम, भाग करने के नियम, क्या भाग करने के नियम में अगर बात करेंगे पहले नियम की, तो पहला नियम क्या था कि अगर हमारे पास एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस बटे प्लस, तो हमेशा प्लस आएगा, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था आपको कि अगर एक जैसे चिन्ह को हम भाग करते हैं तो हमेशा जो आंसर आता है, हमेशा जो आंसर आता है वो कौन सा आंसर आएगा, प्लस का आंसर आएगा, ठीक है, हमेशा आपका प्लस का आंसर आने वाला, तो ये भी प्लस आएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि दूसरा जो हमारे पास रूल था कि अलग अलग चिन्ह को अगर आप भाग करते हैं, अलग अलग चिन्ह को अगर आप भाग करेंगे, अलग अलग चिन्ह को भाग करेंगे, जैसे ये हमने किया माइनस बटे प्लस, तो हमेशा जो उत्तर आता है आपका वो माइनस में आता है। यहाँ पर भी देखो, एक प्लस दिया हुआ है, एक माइनस दिया हुआ है, जो उत्तर है वो किस में आएगा, माइनस में। तो ये चीजें मैंने आपको बताया, ठीक है। मतलब अगर एक जैसे चिन्ह है तो प्लस आता है, अगर अलग अलग चिन्ह है तो माइनस आता है, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस आता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लें। तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर देंगे बेटा, इसका कितना आंसर आने वाला है, 57 डिवाइड माइनस 19, बताइए 57 डिवाइड माइनस 19 कितना आंसर आएगा, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा, चैट बॉक्स में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। पहले तो आप चेक करेंगे कि आपका आंसर प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, पहले आप ये चेक करेंगे। तो माइनस का आ रहा है पहले तो, क्योंकि अलग अलग चिन्ह दिए हुए, अलग अलग चिन्ह दिए हुए हैं तो माइनस का आंसर आएगा, अलग अलग चिन्ह दिए हुए हैं तो माइनस का आंसर आएगा, ठीक है। तो 57 को भाग करना है किससे, माइनस 19 से, तो 19 दिया 57, ठीक है।
यहाँ पर अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो वहां पर हमारा माइनस का उत्तर आता है। चलिए दूसरा बताएंगे। अभी मैंने लिखा 63, माइनस के 63 डिवाइड बाय 9, है ना, 63 को भाग करना है 9 से। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए। 63 को भाग करना है 9 से, बताएंगे बेटा कितना आंसर आएगा, आंसर कितना आने वाला है। चैट बॉक्स में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। पहले तो आप देख लीजिए कि चिन्ह कौन सा है। चिन्ह की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर माइनस दिया है, यहाँ पर दिया है प्लस, तो अलग अलग चिन्ह दिए हुए हैं, इसका मतलब माइनस में उत्तर आएगा। तो माइनस के 63/9, 9 7 63, तो 7 आंसर आया माइनस, माइनस के 7 आंसर आया बेटा। ठीक है, चलिए अभी तीसरा बताएंगे बेटा। यहाँ पर कि तीसरा मैंने लिखा कि माइनस के 72 को आपको डिवाइड करना है 8 से, 8 से डिवाइड करना है। चलिए बताएंगे आंसर क्या आएगा, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, तो यहाँ तो पहले आप प्लस या माइनस को देखेंगे, ये तो माइनस है और ये प्लस है, तो उत्तर तो माइनस में आने वाला है ना। तो 72/8, 8 × 72, 8 × 72, तो माइनस के 9 आंसर आया। वेरी, चलिए दो और एग्जांपल आप बताएंगे मेरे को। नंबर एक ये कि माइनस के 15 को आपको डिवाइड करना है किससे, 5 से डिवाइड करना है, माइनस के 5 से डिवाइड करना है। तो पहले तो आप चेक करिए कि आपका आंसर माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। वेरी गुड, तो प्लस का आंसर आने वाला है, क्योंकि एक जैसे चिन्ह जहां पर होते हैं वहां पर प्लस का उत्तर आता है। तो माइनस के 15/-5, माइनस के 15/-5, तो 5 × 15, तो प्लस के 3 आंसर आपका आ गया। वेरी, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी लास्ट एग्जांपल है कि 25 को आपको डिवाइड करना है 5 से, बताइए कितना आंसर आएगा। 25 को 5 से डिवाइड करें, 5 से भाग करेंगे, तो चिन्ह तो हमारे पास प्लस का ही है, तो प्लस का ही चिन्ह आने वाला है। तो 25 × 100, 25 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 × 25, तो 5 आंसर आया बेटा, प्लस प्लस के 5 आंसर आया। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, यहाँ तक अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करें, यहाँ तक अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करना है बेटा। वेरी, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। यहाँ पर तो आगे एक रिकॉल टेस्ट होगा आपका। देखो रिकॉल टेस्ट क्या है कि 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, है ना। और हमें पता है कि 60 सेकंड में, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 1/60 मिनट होंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करें। तो मतलब सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं, मिनट सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। कर दिया सर। वेरी गुड, चलिए जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, लेकिन जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है वो अपना आंसर करें, जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है वो आंसर करें। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में पता है आपको कैसे जाते हैं कि 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, उस पर आपको क्लिक करना, क्लिक करना है तो एक्टिविटी आएगा, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे। जिसके पास पोल नहीं आया है वो वेट करेंगे, ठीक है, मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा, वो चैट सेक्शन में फिर अपना आंसर करेंगे। चलिए 60 से भाग करना है सिंपल, है ना, 60 से भाग करेंगे आप किसको, 360, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 कर दिया सर जी, 2 3 4 5, ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते।
यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर क्या क्या कहा गया है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर बोला गया है कि 360 को आपको किसमें बदलना है, सेकंड मिनट में बदलना है, तो 60 से भाग करना है। तो 360 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो पूरा आंसर आएगा। हाँ, 60 से अगर हम इसको करते हैं तो 6 × 36 होता है, मतलब कि 360, ये 6 बार जाता है ना। तो ए हमारा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हमारा सही, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को, तो वाई टाइप करें। चलिए आगे आएंगे, वेरी गुड। तो अभी हम अपना है ना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक है बेटा नंबर लाइन संख्या रेखा, ठीक है, नंबर लाइन संख्या रेखा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है, क्योंकि आपके चैप्टर से रिलेटेड है और सभी बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पर हमें कवर करना है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं अभी, नंबर लाइन संख्या रेखा। चलिए देख लेते हैं कि संख्या रेखा होती क्या है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, जब हम किसी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। मतलब कि कोई भी अगर हमारे पास रेखा है, मैंने ये रेखा खींची, ठीक है, इस पर हमें क्या करना है, इस पर हमें संख्या को निरूपित करना है। तो संख्या को मैं निरूपित ऐसे भी कर सकता हूँ, कैसे, मैंने करा 2, 4, 3 है ना, 2, 4, 9, -12 ऐसे कर सकता हूँ संख्या को निरूपित। तो क्या ये एक संख्या रेखा होगी, नहीं, ये एक संख्या रेखा नहीं है। क्यों नहीं है संख्या रेखा, संख्या रेखा तब होगी जब ये जो नंबर है, ये जो संख्याएं हैं, इसको हम क्रम के अनुसार निरूपित करें। इसके अनुसार निरूपित करेंगे, क्रम के अनुसार। अभी हमने कोई भी क्रम नहीं रखा, हमने तो पॉजिटिव नंबर यहाँ पर रख दिया, नेगेटिव नंबर यहाँ पर रख दिया, तो कोई भी क्रम नहीं है। अगर क्रम नहीं है तो ये एक संख्या रेखा नहीं, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा एक क्रम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया, देखो ये एक लाइन दी गई है आपको, है ना, एक रेखा दी गई है, एक रेखा के बीच में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जीरो, जीरो, ठीक है। उसके बाद देखो एक दिया गया है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ठीक है। तो मतलब यहाँ एक क्रम हमारे पास आ रहा है कि जब हम जीरो के राइट में चलते हैं, है ना, जीरो के राइट में चलते हैं तो नंबर है ना बढ़ रहे हैं हमारे पास। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है बेटा कि इन दोनों के बीच का जो ये स्पेस है, ये जो खाली स्थान है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एक मात्रक, एक मात्रक बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलेंगे, एक इकाई, इंग्लिश में बोलते हैं 1 यूनिट, है ना। तो सभी के बीच में बराबर स्पेस होता है बेटा, जैसे 0 से 1 तक के लिए एक मात्रक था, तो यहां पर भी हमारे पास क्या होगा, एक मात्रक होगा, और यहां तक भी हमारे पास क्या होगा, एक मात्रक होगा, यहां तक भी हमारे पास क्या होगा, एक मात्रक होगा, ठीक है। तो सबका जो स्पेस होगा वो सबका क्या होगा, एक मात्रक ही होगा। उसी तरीके से जब हम राइट में चलते हैं, वो लेफ्ट में चलते हैं, जीरो के लेफ्ट में चलते हैं, जीरो के बाएं अगर हम चलते हैं, तो सारे नंबर है ना निगेटिव होते हैं, सारे नंबर निगेटिव, इसका स्पेस भी 1 यूनिट होगा, ठीक है, इसका स्पेस भी 1 यूनिट होगा। और देखो यहाँ पर ये आगे तक चल रहा है, तो तभी हमने एरो बनाया, ये एक एरो हमने बनाया है कि इसका मतलब है कि ये नंबर आगे भी चल रहे हैं, इसके बाद 5 भी आएगा, इसके बाद 6 भी आएगा, एंड सो। उसी तरीके से यहाँ पर भी एरो बना हुआ है, तो इसका मतलब भी क्या है कि यहाँ पर -3 भी आएगा और आगे के नंबर भी आएंगे। तो इसको हम बोलते हैं क्या, संख्या रेखा, नंबर लाइन। क्या अभी समझ में आया सबको, वेरी गुड, अनंत तक जाएगा, वेरी गुड। अगर हम जाते हैं राइट तरफ तो ये प्लस का अनंत आता है, और अगर हम जाते हैं लेफ्ट में तो ये माइनस का अनंत आता है, माइनस के इनफिनिटी। चलिए बताएंगे बेटा, संख्या रेखा समझ में आई सबको, हाँ, इनफिनिटी लाइन, वेरी गुड, ये इनफिनिटी ही लाइन है। चलिए शाबाश, तो अगर यहां तक समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे, अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो यहां पर यही लिखा गया है
कि जीरो और एक से नामांकित इन बिंदुओं के बीच की दूरी एक इकाई दूरी यूनिट डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस कहलाती है। तो जीरो और एक के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, एक इकाई दूरी यूनिट डिस्टेंस। तो ये सब में सेम होता है, सब में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सब में सेम होगा। यहां तक की भी दूरी क्या होगी, एक इकाई होगी, है ना। यहां तक की दूरी क्या होगी, यहां तक की दूरी भी एक इकाई होगी। यहां तक की भी दूरी क्या होगी, यहां तक की भी दूरी एक इकाई होगी। चलिए, यहां तक की भी दूरी एक इकाई दूरी होगी, ये भी एक इकाई दूरी है। ठीक है, तो सभी दो नंबर के बीच की जो दूरी होती है, किन्हीं भी दो नंबर ले लीजिए आप, कोई भी दो नंबर, जैसे मैंने लिया यहाँ पर 10 और 11, तो इनके बीच में भी जो दूरी होगी वो क्या होगी, एक इकाई होगी। ठीक है, तो एक इकाई ही दूरी रहने वाली। चलिए, ये दूरी समझ में आया बेटा सबको, समझ में आया नंबरों में बेटा? वन सेंटीमीटर नहीं बोल रहे हम एक इकाई बोल रहे हैं, वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है और वो 1 मीटर भी हो सकता है। ठीक है, जनरली हम सेंटीमीटर लेके चलते हैं, लेकिन आपको बस यूनिट याद रखना है कि वो एक इकाई है, या तो सेंटीमीटर हो या कोई सा भी यूनिट हो, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, कोई भी होगा, लेकिन एक ही होगा। समझ में आया सबको? जहां तक समझ में आया है तो वाइट है। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखेंगे बेटा, यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है। क्या आप बता सकते हैं कि बिंदु एक और चार के बीच की कितनी दूरी है? एक और चार के बीच कितनी दूरी है? तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक और चार के बीच की दूरी निकालनी है हमको। वेरी गुड, एक और चार के बीच की दूरी निकालनी है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ? वेरी गुड, तीन ही दूरी होगी। एक इकाई तो यहाँ पर हो गया, है ना, एक इकाई यहाँ पर हो गया और एक इकाई की दूरी यहाँ पर हो गया। अभी दो, तीनों को ऐड कर देना है, तीनों को ऐड कर देना है, तो कितना आ गया, तीन आ गया। तो एक तो तरीका ये है, ठीक है, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या होगा कि आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। मतलब बड़ी संख्या में से आपको क्या करना है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। वेरी गुड, मतलब 4 - 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3। हमारा आंसर आ गया 3। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि अगर हमारे पास ऐसे आ जाता कि बताइए 2 और 15 के बीच की कितनी दूरी है, तो हम ऐसे तो नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, हाँ 13 आएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे तो 13 आंसर है। ठीक है बेटा, तो 13 आपका आंसर आ गया। चलिए, अगर ये चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को, तो अभी इसका आंसर देंगे बेटा। एग्जाम्पल बताएंगे कि 0 और 8 के बीच की दूरी कितनी है, 0 और 8 के बीच की दूरी कितनी है? 8 होगी सर, 8। 8 होगी, वेरी गुड। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए, 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा। 8 में से अगर 0 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी आप बताएंगे कि -2 और 0 के बीच में कितनी दूरी है? सर 2। 2 दूरी होगी। ठीक है, -2 नहीं होगी। हाँ, इसीलिए मैंने ये पूछा है कि ये माइनस में नहीं होती है बेटा। आपको बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर देंगे। हाँ, नोट बना के आपको याद रखना है क्या, कि जो दूरी होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती है ना। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। दो होगी, नहीं होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी कि जो दूरी होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जैसे अगर आप स्कूल से, है ना, अपने घर से स्कूल जाते हैं,
अपने घर से स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जाने के लिए कुछ ना कुछ दूरी तो आपको तय करना पड़ेगा ना, कि 5 किलोमीटर की दूरी है या 2 किलोमीटर की दूरी है। तो कभी आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि -2 किलोमीटर की दूरी है ना। आप क्या बोलते हैं हमेशा, आप बोलते हैं कि 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है या फिर 5 किलोमीटर, माइनस में नहीं बोलते। तो ये बात आपको याद रखनी है कि दूरी कभी भी निगेटिव में नहीं होती है, याद रहेगा बेटा सबको। यस सर। चलिए तो यहाँ पर भी देखो, मैंने बोला था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो जीरो है ना, -2 और 0 में बड़ा कौन है, जीरो। तो जीरो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है तो हमारे पास क्या आएगा, देखो दो चीज एक साथ आ गया, प्लस के 2 आ गया, तो 0 में प्लस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आएगा। आंसर आ गया बेटा आपका 2, आंसर आ गया आपका 2। चलिए ये चीज अगर समझ में आई है आपके, तो अभी मैं फिर से अपने नंबर लाइन पर आ जाता हूँ, है ना। फिर से मैं नंबर लाइन पर आ जाते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, मैंने फिर से एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ पर ये नंबर लाइन बनाई, ठीक है। तो यहां से मैंने स्टार्ट किया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और एनसोन इस तरीके से चल रहा है। तो क्या आप इस नंबर लाइन का नाम बता सकते हैं कि ये कौन सी नंबर लाइन है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, प्लस की नंबर लाइन। हाँ बिल्कुल, नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, लेकिन आपने संख्याएं पढ़ी है ना, कि प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ा है और पूर्ण संख्या पढ़ा है और पूर्णांक पढ़ा है। क्या माइक ऑन है, किसी का माइक बंद करेंगे सर? वोल नंबर, वोल नंबर। वेरी गुड। तो किसकी है नंबर लाइन, होल नंबर की है ना, मतलब सर, पूर्ण संख्या। बिल्कुल, इसमें 0 आता है, पूर्ण संख्या में 0 आता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाली जो नंबर लाइन मैंने बनाई है, ये वाली नंबर लाइन कौन सी है, पूर्ण संख्या, होल नंबर की, ठीक है। चलिए अगर हम एक और नंबर लाइन बनाए, एक और नंबर लाइन बनाए, और मैं इस नंबर लाइन को स्टार्ट करता हूँ, इस नंबर लाइन को स्टार्ट करता हूँ 1 से, तो ये कौन सी नंबर लाइन होगी? नेगेटिव सर। बेटा नेगेटिव तो है ही नहीं इसमें। नहीं सर, ये जो एन से, एन से, हाँ एन से कौन सी होती है, एन से नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है ना, तो प्राकृतिक संख्या होती है बेटा ये। तो ये कौन सी नंबर लाइन है, प्राकृतिक संख्या की नंबर लाइन। आ रहा है समझ में? यस सर। चलिए अगर इतना समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? वन। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या? अनंत सर। अनंत। बेटा इस एरो का मतलब होता है कि ये आगे तक चल रहे नंबर, तो अनंत आता है, अनंत, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अनंत। अभी इसमें बताएंगे पूर्ण संख्या में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? जीरो। जीरो, वेरी गुड। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? अनंत। अनंत, इन्फिनिटी होगी बेटा, ठीक है। चलिए तो इतना अगर समझ में आया है, तो अभी आप बताएंगे, एक और नंबर लाइन में बना रहा हूँ, ये लास्ट नंबर लाइन में बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। माइक बंद रखेंगे बेटा, किसी के बच्चे का अगर माइक ऑन है तो। मिडिल में 0 है, ठीक है, मिडिल में है 0, और जब हम राइट चलते हैं, राइट अगर चलते हैं तो नंबर है ना बढ़ते हैं, बढ़ते हैं नंबर, और जब हम लेफ्ट चलते हैं तो नंबर घटते हैं। सर ये जेड से आएगा, जेड वाले से। यस, ये जेड वाला आएगा, वेरी गुड। तो ये आ गया जेड वाला। लेकिन एक चीज और आपको समझना है इसमें, क्या मैंने ये बोला कि अगर हम राइट को चलते हैं तो नंबर क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पर अगर लेफ्ट में चलेंगे तो नंबर घटेंगे, ठीक है, घटेंगे। जैसे 0 से छोटा कौन है, -1, -1 से छोटा कौन है, -2, -2 से छोटा कौन है, -3, -3 से छोटा कौन है, -4, -4 से छोटा, -5। तो इस तरीके से छोटा 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 होता चला जाता है। तो अभी आप मेरे को बताएंगे कि मैंने आपको दो नंबर बताए, एक तो बताया है कि धनात्मक पूर्णांक जिसके ऊपर प्लस लगा देते हैं, yes, एक बताया है ऋणात्मक पूर्णांक जिसमें हम माइनस लगा देते हैं, है ना। यस सर।
तो मेरे को आप बताइए कि धनात्मक पूर्णांक में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सर किसमें? धनात्मक पूर्णांक में। धनात्मक पूर्णांक में तो ये धनात्मक पूर्णांक होता है, ये होता है धनात्मक पूर्णांक, वन से स्टार्ट होता है। ठीक है, जीरो नहीं होगा क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, ये मैंने बताया ना, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। और ऋणात्मक पूर्णांक हमारे पास कौन से हैं? ये वाले नंबर ऋणात्मक पूर्णांक है। तो अभी आप मेरे को बताएंगे, ये तो धनात्मक हो गए और ये हो गए ऋणात्मक, तो ऋणात्मक में बताएंगे सबसे छोटा नंबर। सर -1। -1 बेटा, तभी मैंने ये नंबर लाइन बनाई है, सभी का आंसर -1 आ रहा है, लेकिन -1 आंसर है ही नहीं। मैंने क्या बोला कि घटते जाते हैं नंबर, कि जीरो से छोटा -1 है, -1 से छोटा तो -2 है, तो -1 कैसे छोटा हो जाएगा? जीरो। बेटा जीरो कैसे हो जाएगा, जीरो तो बड़ा नंबर है। सर -∞ होगा। -∞ होगा, वेरी गुड, जो यहाँ पर नंबर आएगा अनंत है ना, तो अनंत की बात करेंगे, -अनंत। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर सबसे बड़े की अगर बात करेंगे तो सबसे छोटा तो हमारे पास क्या है, -1, और सबसे बड़ा कौन सा है, वो सबसे छोटा, हाँ -1, तो सबसे छोटा तो है -∞ और सबसे बड़ा है -1, ये बातें आपको याद रख। ठीक है, यस सर। सबसे बड़ा नंबर होता है -1 और सबसे छोटा नंबर होता है -∞, इसमें ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए अभी बताएंगे बेटा, यहाँ तक याद रहेगा सबको? यस सर। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लूँ इसका? हाँ बेटा ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, सभी बच्चे ले लेंगे, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, कि अगर हम ले लिए में चलते हैं, राइट में चलते हैं तो नंबर बढ़ेंगे और लेफ्ट में चलेंगे तो नंबर घटेंगे। ओके सर, आगे आ जाते हैं। अभी देखो यहाँ पर यही दिखाया है, क्या आप बता सकते हैं कि बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी क्या थी? तो यहाँ पर देखो, 1 यूनिट का डिस्टेंस है ना, 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, तो तीनों को हमने जोड़ा तो हमारे पास आ गया 3, या फिर हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर सकते। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी कितनी है, 3 इकाई, मतलब कि 3 यूनिट है, ये हमने पहले ही कर लिया है। अभी आगे आ जाते हैं, अभी फिर से देखो उदाहरण दिया बेटा, सभी का आंसर है ना चैट बॉक्स में आना चाहिए, चैट बॉक्स में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। क्या दिया हुआ है, बिंदु -2 और 3 के बीच की दूरी, देखो ये रहा -2 और 3 के बीच की दूरी बताना है, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा। फाइव आएगा सर। वेरी गुड, चलिए देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो एक तो ये डिस्टेंस 1, दूसरा ये 1, तीसरा ये 1, चौथा ये 1 और पांचवा ये 1, तो 5 आ गया, तो यहां से 5 आ गया, इसमें प्लस 4 नहीं लगेगा, सीधा 5 आएगा सर, सीधा 5 आएगा, वेरी। ठीक है, और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि बड़ी संख्या, आपको पता है इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, -2 और 3, कौन सी बड़ी संख्या है, -2 है या 3 है? सर 3। 3, तो 3 में से हमें माइनस करना है छोटी संख्या को, -2, तो आ जाएगा 3, और दोनों चिन्ह एक साथ दिए हुए हैं तो ये तो हो जाएगा +2, यानी 5 आपका आंसर है। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। यस सर। चलिए यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। अगर समझ में आया है तो अभी सभी बच्चे है ना इसका आंसर करेंगे, ये नंबर लाइन बनाई मैंने एक, और आपको बताना है ये है क्या, 0, ये 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको बताना है -3 से +3 के बीच की दूरी, -3 से +3 के बीच की दूरी बताएं। 4, 5, 6।
आंसर आएगा सर। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे, आंसर आ गया। चलिए चेक कर लेते हैं, एक दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच और ये छह, ठीक है तो छह हमारा आंसर आ गया। और दूसरा तरीका क्या है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना, बड़ी संख्या है प्लस के तीन और छोटी संख्या है माइनस के तीन, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दिया तो तीन ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तीन और ये आ गया आंसर हमारा कितना छह, छह आंसर हमारा, ठीक है। चलिए यहाँ तक बताएंगे बेटा, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं, अभी यहाँ आगे आ जाते हैं तो यही यहाँ पर दिखाया गया कि बिंदु माइनस दो और तीन के बीच की दूरी, देखो ये दिखाया गया हमारे पास कि यहाँ से यहाँ तक जीरो से लेकर तीन तक तो तीन इकाई दूरी थी, जीरो से लेकर तीन तक तो कितनी थी, तीन इकाई की दूरी थी। उसके बाद जीरो से लेकर माइनस दो के बीच की दूरी कितनी है, दो इकाई की दूरी है, तो दोनों को हमें जोड़ देना है और दोनों को हमने जोड़ा तो हमारा आंसर आ गया कितना, पांच इकाई दूरी। चलिए अगर यहां तक समझ में आया है सभी बच्चों को तो अभी आपके होंगे टेस्ट, ठीक है, होल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर कर, यस सर, होल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन है बेटा जी, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन की दूरी, एक दो, बेटा बोलेंगे नहीं, अनम्यूट रखेंगे अपने आप को, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए अपनी नोटबुक में और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए संख्या रेखा पर बिंदु दो और सात के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दो और सात के बीच की दूरी आपको बताना, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। कर दिया सर। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। पोल में जाना नहीं आता है तो आपको क्या करना है, तीन बिंदु पर क्लिक करना है, एक्टिविटी लास्ट ऑप्शन आता है बेटा आपका, है ना, एक्टिविटी लास्ट ऑप्शन आएगा और उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, जो ऑप्शन ठीक है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। सर मेरा पोल सेक्शन नहीं आया, लिख रखा है कि आस्क क्वेश्चन, आस्क का क्वेश्चन। अच्छा आप एक काम करेंगे, अभी मैं पोल सेक्शन ओपन करूंगा तो वहां पर आप आंसर करेंगे, कैट सेक्शन ओपन करूंगा वहां पर आप आंसर करेंगे। चलिए अभी माइक बंद कर लेंगे, वेरी गुड, तो अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं, ठीक है, तीन चार बच्चे अभी भी रह गए हैं, जल्दी अपना आंसर कर देंगे, जल्दी से अभी अपना आंसर कर देंगे, मैं पांच सेकेंड के बाद पोल बंद कर, पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया, पांच आएगा सर। चलिए तो काफी बच्चों का पांच आंसर आ रहा है और इसका आंसर भी पांच ही है, ठीक है देखो कैसे, यहां पर दो से लेकर सात जाना है तो दो से तीन तक गए एक, तीन से चार जाएंगे एक ये, चार से पांच जाएंगे एक ये, पांच से छह जाएंगे एक ये और छह से सात पर जाएंगे तो एक, तो सबको जोड़ देंगे तो पांच आंसर, पांच आएगा सर, ठीक है तो पांच आंसर आ गया। दूसरा तरीका मैंने बताया कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है तो भी आपका आंसर आ रहा है पांच, ठीक है। चलिए यहाँ तक बताएंगे बेटा, सभी बच्चों को समझ में आया यहाँ तक? यस सर। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी तो इसका आंसर हमारा आ रहा है कितना, सी ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि पांच। अभी आ जाते हैं आगे, आगे देखो क्या लिखा है, सात संख्या रेखा पर चार के दाई ओर आएगा या बाई ओर आएगा, सात संख्या रेखा पर चार के दाई ओर राइट साइड आएगा या बाई ओर आएगा, बताइए। लेफ्ट साइड आएगा सर। बेटा देखो सात जो संख्या है वो रेखा पर चार के दाईं ओर आना है, राइट के साइड आना है या फिर लेफ्ट के साइड आना है? लेफ्ट के साइड, लेफ्ट सर, लेफ्ट की साइड, लेफ्ट के साइड बोल रहे हैं आप, देखना जरा
एक मैंने नंबर लाइन आपको बनाया, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए पहले क्या बोला गया है क्वेश्चन, है ना। देखो मैंने बनाया जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। अब देखो सात संख्या रेखा पर, इस रेखा पर ये वाला जो सात है वो चार के, किसके, चार के काए, चार ये रहा चार, इस चार के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर आएगा। अब बताइए ये वाला सात चार के दाईं ओर है या बाईं ओर है, राइट में है या लेफ्ट साइड है। राइट साइड है, तो यही आपको समझना है बेटा, ठीक है। ये सात कहां पर है, राइट में है ना कि लेफ्ट में, आया समझ में अभी सबको। यस सर, ये है दाईं, ये है दाईं ओर, ठीक है, राइट साइड, तो राइट साइड में बेटा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन बनाकर आपको देखना पड़ेगा। अभी समझ में आया सबको? यस सर। चल, अगर समझ में आया है तो देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है कि संख्या रेखा पर हम देख सकते हैं कि सात चार के दाईं ओर है, ये चार है और चार के दाईं ओर कौन है, सात। चलिए अगर ये समझ में आया है तो अभी ये वाला एग्जांपल आप बताएं। मैंने लिखा कि माइनस आठ चार के किस ओर होगा, बताइए। दाईं ओर होगा या बाईं ओर? राइट के बेटा, माइनस आठ चार के किस ओर होगा, पहले नंबर लाइन आप बनाएंगे तब आप माइनस एट राइट की तरफ होगा, राइट, और फोर लेफ्ट के साइड। बेटा आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ ही नहीं रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ। अरे चार लिखा हुआ है, इस चार के ये जो माइनस आठ होगा ये लेफ्ट में होगा, यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, राइट में होगा, दाईं ओर होगा या फिर बाईं ओर होगा? राइट। नंबर लाइन बना ले। हाँ, नंबर लाइन बनाकर ही तो आंसर आएगा, पहले नंबर लाइन बनाइए आप अपनी नोटबुक में। तब आपको पता चलेगा कि राइट होगा या लेफ्ट होगा। चलिए सभी बच्चे बनाइए। हाँ, बेटा नंबर लाइन बनाएंगे तब आपका आंसर आएगा, ऐसे बिल्कुल भी आंसर नहीं आने वाला आपको। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नंबर लाइन बनाएंगे। अभिमन्यु के नाम से जो बच्चा है, आपने नंबर लाइन बनाया है तो आप मेरे से चेक कराइए, आप दिखाइए अपना नंबर लाइन कहाँ पर बनाया आपने। जिसने भी नंबर लाइन बनाकर करा है वो मेरे को दिखाएंगे बेटा, वीडियो ओपन करेंगे अपना और दिखाएंगे। वीडियो ओपन करेंगे और दिखाएं। किसी ने बनाया बेटा, दिखाएंगे जल्दी से नंबर लाइन। हाँ, जिसने भी सोल्व करा है नंबर लाइन आप दिखाएंगे अपनी नोटबुक में, दिखाएंगे बेटा। वीडियो ऑन करेंगे बेटा अपना और अपनी नंबर लाइन दिखाएंगे कि आपने नंबर लाइन कहां पर बनाया। सुमन देवी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा बनाया है आपने नंबर लाइन, वेरी गुड, दिखाएंगे आप फिर अगर आपने बनाया है। जिस भी बच्चे ने बनाया है नंबर लाइन दिखाएंगे। जिस भी बच्चे ने नंबर लाइन बनाया है तो दिखाएंगे। चलिए चेक करेंगे अपना आंसर, आंसर बेटा चेक करना है बेटा। ऐसे अगर आप नहीं करेंगे, नहीं नंबर लाइन बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको नंबर लाइन बनाना आना चाहिए कि नंबर लाइन बनाते कैसे। तो नंबर लाइन में मिडल में रखते हैं जीरो, ठीक है, मिडल में रखते हैं जीरो, राइट में जाते हैं तो सारे के सारे नंबर धनात्मक आते हैं, सारे नंबर धनात्मक आते हैं,
और लेफ्ट में जीरो के लेफ्ट में जाते हैं, बाईं ओर जाते हैं तो सारे नंबर ऋणात्मक आते हैं। सारे नंबर कैसे आएंगे? ऋणात्मक आएंगे। माइनस छः, माइनस सात, ठीक है, माइनस आठ। तो माइनस आठ। तो अभी यहां पर देखेंगे, अभी बताइए यहां पर चार कहां पर है? चार है, ये रहा चार यहां पर। माइनस आठ कहां पर है? इसके दाईं ओर है माइनस आठ या फिर बाईं ओर है? लेफ्ट में है या राइट में? बताएंगे बेटा कहां पर आया, लेफ्ट में आया या फिर राइट में आया? हाँ, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, ये लेफ्ट में है या फिर राइट में? वेरी गुड, यहाँ तो लेफ्ट में दिख रहा है ना आपको, तो इसलिए क्या करना है, पहले आपको नंबर लाइन बनाने ला, उसके बाद आप आंसर करें। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे अभी, यहाँ तक अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे, अगर यहाँ तक समझ में आया है तो वाई टाइप करना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे खुद से। मैंने कहा कि माइनस तीन, मैंने बोला कि माइनस तीन, या फिर मैंने बोला माइनस दो, माइनस छह के किस ओर होगा? माइनस छह के किस ओर होगा बताइए बेटा, माइनस छह के किस ओर होगा? तो माइनस छह को गोला करना है और उसके बाद देखना है कि माइनस दो कहां पर आ रहा है, दाईं ओर आ रहा है या फिर बाईं ओर आ रहा है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, चैट बॉक्स में सबका आंसर। वेरी गुड बेटा, चलिए चेक करते हैं कि किसका आंसर सही आ रहा है। वेरी गुड, अभी आपने सुमन देवी के नाम से जो बच्चा है आपने नोटबुक दिखाया था अपना, फिर से दिखाएंगे आप अपनी नोटबुक, फिर से एक बार दिखाएंगे, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ नाम बोलेंगे आपका, क्या नाम है? चलिए वेरी गुड, तो अभी चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या है। सचिन, सचिन वेरी गुड। तो इस तरीके से जैसे सचिन ने अपनी नोटबुक दिखाया ना सोल्व करके, तो सभी बच्चे इसी तरीके से अपनी नोटबुक चेक कराएंगे। हाँ, जब भी मैं बोलूंगा कि अपना कैमरा ऑन कीजिए और नोटबुक चेक कराइए, तो ऐसे आपको नोटबुक को चेक करा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, और नंबर लाइन हमें पता है कि क्या होता है। नंबर लाइन हमें पता है कि नंबर लाइन में हम कैसे बनाते हैं, कि मिडिल में रखते हैं जीरो, है ना, और राइट में चलते हैं तो सारे नंबर आते हैं पॉजिटिव, धनात्मक नंबर आते हैं, और जब लेफ्ट में जाते हैं तो सारे नंबर ऋणात्मक आ जाते हैं, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच और माइनस छह, ठीक है। तो अभी यहां पर देखना है आपको, क्या देखना है कि माइनस दो माइनस छह के किस ओर होगा, है ना, माइनस दो माइनस छह के किस ओर होगा, तो माइनस छह से देखना है, तो माइनस छह को कर दीजिए गोला। अभी यहां से देखना है अपने कि माइनस दो कहां पर है, देखो कहां पर जा रहा है, कहां पर जा रहा है माइनस दो, दाई ओर जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है ना, तो दाई ओर जाएगा, राइट साइड,
ठीक है बेटा, अभी मैं करता हूँ ये। हाँ तो अभी इतना समझ में आया सबको? अगर यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे बेटा। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ तक हमारा आंसर आ गया राइट साइड, है ना। आगे देखेंगे तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है क्या कि यहाँ पर बताया गया है कि संख्या रेखा किसी संख्या के दाईं ओर राइट साइड उससे बड़ी संख्या और बाईं ओर उससे छोटी संख्या आएगी, है ना। जब भी बड़ी संख्या की बात करेंगी वो कहाँ पर आएगी? दाईं ओर आएगी, राइट साइड में आएगी बेटा बड़ी संख्या। और छोटी संख्या कहाँ पर होगी? लेफ्ट साइड में होगी छोटी, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या होगी? छोटी संख्या होगी। चल सब बात। तो अभी आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्क्रीन पर देखो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि संख्या रेखा पर 2-7 के किस ओर स्थित है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, पहले नंबर लाइन बना लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है बेटा आपको, पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। पोल सेक्शन में आप आंसर करें, पोल सेक्शन में आंसर करना है। पहले नोटबुक में इसको नंबर लाइन बनाकर अच्छे से सोल्व कर लीजिए और फिर आंसर करेंगे। संख्या रेखा पर 2-7 के किस ओर स्थित है? अगर संख्या रेखा नहीं बनाएंगे तो आंसर गलत हो सकता है आपका। संख्या रेखा नहीं बनाएंगे तो आंसर गलत हो सकता है, तो इसलिए पहले संख्या रेखा बना लीजिए, नंबर लाइन को बना लीजिए, उसके बाद आप आंसर करें। ऑन नंबर लाइन 2 इज ऑन विच साइड ऑफ 7? 7 से देखना है बेटा आपको, 7 से देखना है। आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ पा रहे है ना, आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि किससे आपको देखना है, कि 2 से देखना है या फिर 7 से देखना है। कर दिया सर जी। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, लेकिन जिन बच्चों के आंसर नहीं आए हैं वो जल्दी अपना आंसर करें। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, अभी 2-3 बच्चे बोल रहे गए हैं बस, तो जल्दी से अपना आंसर कर। वेरी गुड, चलिए अभी आंसर थे बेटा बोलेंगे नहीं, आंसर नहीं बोलेंगे, अभी मैं बताता हूँ किसका आंसर। सर पोल नहीं खुल रहा, पोल नहीं खुल रहा है तो अभी आप चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा, ठीक है। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ, ठीक है बेटा सचिन, आप बंद कर लेंगे अभी। तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन ओपन कर दिया, ठीक है। तो चैट सेक्शन ओपन कर दिया, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। केशव के नाम से जो बच्चा है, हाँ इसी तरीके से आपको करना है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा देखो आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि 2 से देखें या 7 से देखें। तो जहां पर बेटा के आता है कि 7 के आ रहा है ना, तो 7 से देखना है ना कि 2 से देखना है। कुछ बच्चों ने 2 से देख लिया, कुछ बच्चों ने 2 से देख लिया, तो अभी क्या करना पड़ेगा? नंबर, हाँ नंबर लाइन बनाएंगे आप। तो नंबर लाइन मैंने बनाया तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0। देखो दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाने की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव ही बना देते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अभी किससे देखना है आपको? आपको देखना है 7 से, तो 7 से देखना है। 7 से देखेंगे तो कहां पर आ रहा है? देखो लेफ्ट में आ रहा है ना, तो लेफ्ट में आ रहा है ये, ना कि राइट में आ रहा है, तो लेफ्ट आंसर होगा, मतलब बी आपका आंसर होगा। संख्या से देखना होता है क्या बेटा? जहां पर के आ जाता है उससे देखना है। जैसे मैंने लिखा 3 संख्या रेखा पर 3-7 से किस ओर है, 7 के किस ओर है, तो ये के आ गया ना 7 के, या फिर आपके पास आ जाए 8 के, या फिर ऐसे आ जाए 9, 3 के किस ओर है, तो 3 से देखना है फिर। सर अब आया समझ में? चलिए अगर समझ में आया है
तो अभी अगला क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे। हाँ, तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है, बी ऑप्शन सही होगा। अभी आगे आ जाते हैं। ना ठीक है, देखो अभी यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, माइक बंद रखेंगे। अभी यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या को ही निरूपित कर सकते हैं? तो यहाँ पर ये संख्या रेखा लिखी हुई है, इस संख्या रेखा पर क्या हम सिर्फ पूर्ण संख्या को निरूपित कर सकते हैं या कोई और भी संख्या निरूपित कर सकते हैं, बताइए सर। और भी कर सकते हैं। कौन सी कर सकते हैं बताएंगे सर? माइनस वाली, माइनस वाली। हाँ, माइनस वाली भी कर सकते हैं, वो आगे जाएगा। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में भी हम निरूपित कर सकते हैं संख्या जीरो और एक के बीच में? यस सर। क्या कर सकते हैं? जीरो और एक के बीच में कौन सी संख्या होगी बताइए? चलिए मैं बताता हूँ आपको। स्केल तो देखा है ना सबने, जिससे नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, जिससे वो देखा है सबने स्केल। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा होता है जीरो, है ना, जीरो सेंटीमीटर। फिर लिखा होता है एक सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद इसमें ना कुछ खाने बने होते हैं ऐसे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, ऐसे छोटे छोटे खाने बने होते हैं। यस सर। तो ये क्या होते हैं, ये जीरो और वन को हमने दस भागों में डिवाइड किया। जीरो से लेके वन तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने कितने भागों में डिवाइड किया? दस भागों में। इसको हम बोलते हैं, पहले जो लिखा है जी वन, इसको बोलते हैं 0.1। फिर दूसरा क्या होगा? 0.2। फिर तीसरा क्या होगा? 0.3। ये चौथा क्या होगा? 0.4। ये पांचवा क्या होगा? 0.5। ये 0.6, 7, 8, 9, 10। जब 10 आ जाता है तो बन जाता है एक। क्या आया समझ में अभी? ये हम आपके स्केल की बात कर रहे हैं, जो स्केल में आपके पास गैप होता है। तो यहाँ पर तो हम बहुत सारे नंबर को वो कर सकते हैं, इसके बीच में हम 0.1 कर सकते हैं, है ना, 0.5 भी कर सकते हैं सर। ऐसे माइनस में भी कर सकते हैं ना? ऐसे माइनस में भी कर सकते हैं, वेरी गुड। इसी तरीके से हम माइनस में भी कर सकते हैं। क्या अभी समझ में आ गया आपको? यस सर। तो हम पॉइंट के नंबर को भी यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, और हम 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब 0.5 ही तो होता है, तो बटे वाली संख्या को भी हम निरूपित कर सकते हैं। Yes, ये चीजें समझ में आई सबको? यस सर। चलिए अगर ये चीजें समझ में आई है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? कि सभी ऋणात्मक संख्याएं जीरो से छोटी होती है। वो तो हमने संख्या पर भी देखा है, संख्या रेखा पर भी देखा है कि जो जीरो होता है वो तो होता है यहाँ पर बीच में, है ना। और इस जीरो से जब राइट चलते हैं तो सारे नंबर बढ़ते हैं, नंबर बढ़ते हैं। और जीरो से जब हम बाईं तरफ चलते हैं, लेफ्ट तरफ चलते हैं, तो सारे नंबर घटते हैं, घटते हैं सारे नंबर, छोटे होते चले जाते हैं। तो इसका मतलब सारे जो नेगेटिव नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर जीरो से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। क्या ये चीजें समझ में आई सबको? यस सर। इसका मतलब अगर मैंने लिखा है जीरो और माइनस चार, जो जीरो दो एक चार, तो कौन सा नंबर छोटा है? क्या सर? इन दोनों में कौन सा नंबर छोटा है? जीरो से सर। बेटा इन दो, ये दो नंबर लिखे हुए हैं, एक जीरो, एक लिखा हुआ है माइनस चार, जीरो दो एक चार, तो कौन सा नंबर छोटा है दोनों में? जीरो। बताएंगे बेटा सभी बच्चे, बताएंगे कौन सा नंबर छोटा है? चलिए ये नहीं समझ में आया आपके तो ये बताइए, जीरो और माइनस पांच, इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है? माइनस पांच छोटा है या जीरो छोटा है? आपको ये बताना है सिंपल, जैसे आप बताते हैं कि तीन और पांच में कौन छोटा है, आप बता देते हैं ना कि तीन छोटा है, माइनस फाइव छोटा है। तो मतलब जो भी माइनस की संख्या होती है वो छोटी होती है जीरो से। अब कितनी भी संख्या लिख दे, आया समझ में आपको अभी? यस सर। कि मैंने लिखा जीरो और मैंने लिखा यहाँ पर माइनस चालीस, तो माइनस चालीस छोटा होगा, ठीक है, माइनस चालीस छोटा होगा।
ओके सर, आगे आ जाते हैं। अभी अभी यहाँ पर ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है, संख्या रेखा। अतः सभी ऋणात्मक संख्या जीरो के बाईं ओर आएगी। देखो जो सारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो लेफ्ट में आती है, जीरो के बाईं ओर आती है। ये मैंने पहले ही बताया कि सारी की सारी जो ऋणात्मक संख्याएं होती है वो जीरो के कहां पर आएगी, लेफ्ट में आएगी, बाईं ओर आएगी। क्या ये चीजें समझ में आई सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी अब देखो यहाँ पर संख्या रेखा पर निरूपित संख्याओं का समूह पूर्णांक इंटीजर होता है। तो ये चीजें तो हमने देखी है कि जीरो के लेफ्ट में धनात्मक नंबर, ये धनात्मक नंबर होता है, और जीरो के लेफ्ट में होता है ऋणात्मक नंबर, ऋणात्मक। और इस पूरी नंबर लाइन को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। क्या आया सभी को समझ में? यस सर। चलिए अगर ये पूर्णांक वो होती है ना जो एक से स्टार्ट होती है। बेटा पूर्णांक में नेगेटिव नंबर भी होते हैं। बेटा पूर्णांक का चैप्टर बहुत, मतलब 4-5 क्लासेस से चल रहा है, तो मैंने हर बार बताया आपको इसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है और सारे धनात्मक नंबर भी होते हैं। यस सर। तो इसमें देखो धनात्मक नंबर भी आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं और जीरो भी आ रहा है, तो ये पूर्णांक है। यस सर। चलिए आगे आ जाएंगे। अभी तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अतः संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या को नहीं हम पूर्णांक को भी निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पूर्णांक को भी निरूपित कर सकते हैं, और हमने तो देखा है हम तो इसमें पॉइंट वाले नंबर को भी निरूपित कर सकते हैं और बटे वाले नंबर को भी निरूपित कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी अभी देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, संख्या रेखा पर जीरो के दाईं ओर, जीरो के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक होते हैं, बोला था मैंने आपको, ठीक है, और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। क्या ये चीजें समझ में आई सबको? चलिए ये चीजें अगर समझ में आई है तो अभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ये रहा बेटा क्वेश्चन, माइनस दो को संख्या रेखा पर निरूपित करें, तो कौन सी संख्या रेखा पर आप निरूपित करेंगे, आंसर बताएंगे पोल सेक्शन में, आंसर देना है बेटा। कौन सी संख्या रेखा है वो जिस पर हम माइनस दो को निरूपित कर सकते हैं? मैंने बोला था संख्या रेखा को आपको निरूपित करना आना चाहिए। सभी बच्चे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, कौन सा आंसर होगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सिंपल देख के ही बता सकते हैं इसको तो। वेरी गुड बेटा, जिसने आंसर कर दिया है वेरी गुड, लेकिन जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है वो आंसर कर सकते बेटा। माइनस दो करना है, दो नहीं करना, माइनस दो। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सिर्फ माइनस दो आपको देखना है। कर दिया सर जी। वेरी गुड। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी। और चैट सेक्शन, वेरी गुड, पहला वाला ही आंसर है ना, फर्स्ट yes, वाला आंसर है। चलिए सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। सिंपल दिया हुआ है माइनस दो, माइनस दो तो जीरो के बाईं ओर आता है ना, तो माइनस वन माइनस दो, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ये तो माइनस दो है ही नहीं, ये भी माइनस दो नहीं है, ये भी माइनस दो नहीं है, तो तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। चलिए तो बी ऑप्शन, मतलब ए ऑप्शन आपका सही, ठीक है बेटा? यस सर। चलिए तो एक और जल्दी से आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में और देखेंगे कि किसका आंसर सही है। चैट बॉक्स में नहीं करना है बेटा, आपको करना है पोल सेक्शन। चलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे बेटा पहले, और उसके बाद आप आंसर करें। दी गई संख्या रेखा पर तीन किन दो संख्याओं के बीच स्थित है, तीन किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? सर कर दिया। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड। चलिए बाकी सभी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे, तो आराम से इजी से हम बता सकते हैं कि तीन किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर, 1, 2, 3, 4, 5,
ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी सर, दो और चार के बीच में। वेरी गुड बेटा, दो और चार के बीच में ही आएगा, चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया है, दो और चार के बीच में। तो यहाँ खुद ही देख सकते हैं, जीरो के बाद आता है एक, दो के बाद आता है तीन, तीन किन दोनों के बीच में आ रहा है, दो और चार के बीच में। तो बी ऑप्शन चाहिए। चलिए सब बात, तो अभी इसी तरीके से बेटा सभी क्लासेस में आपको ऐसे ही रेगुलर आंसर करना है। आज आप बहुत अच्छा सभी बच्चे पढ़े हैं, सभी बच्चों ने अच्छे आंसर करे हैं, सभी के अच्छे मतलब सही आंसर आए हैं पोल सेक्शन, ठीक है। लेकिन आपको एक काम और करना है कि आप अपना बोल लो बनी रहे। यस बेटा, क्या हुआ? चलिए अभी अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो, हाँ किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो पूछ लेंगे, वरना क्लास को लीव कर सकते हैं, टाइम हो गया आपको ओवर कर, क्लास को ओवर कर।